हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम पिछले वीडियो में मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट किया था कि किस फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसमें आपको ओनली शो करना था कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज करेगी तो उसके लिए क्या इंटरवल होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो इंटरवल बताइए। और वहाँ क्या होता था पहले तीन क्वेश्चन में, वहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको फाइंड करना था कि इंटरवल गिवेन होता था, ठीक है। तो जब हम किसी का इंटरवल फाइंड करेंगे तो देखिए उसके वैसे दो मेथड है, लेकिन आप सिंपल मेथड से देखिएगा और इसी मेथड को हमेशा अप्लाई करिए, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल फाइंड करने वाला क्वेश्चन हमेशा आता था। आप पिछले से 2 सालों से पहले, मतलब आप मान लीजिए कि 2018-17 से पहले के अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरवल फाइंड करने वाले थे कि फाइंड द इंटरवल फॉर दिस पॉलिनोमियल फंक्शन या अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस तरह से क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। अब इस बोर्ड में बोर्ड के पैटर्न चेंज होने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसमें 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, समटाइम्स हो सकता है कि 4 मार्क्स में ले भी लें, लेकिन चांसेस ज़्यादा था 2 एंड 1 मार्क्स का, ठीक है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एफ एक्स सबसे पहले फंक्शन दिया है 2x² - 3x, इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। क्या करेंगे, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² - 3x। तो डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे, इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स, ये भी आप जानते होंगे, है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पर 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x - 3 एंड डिफ्रेंशिएशन आप x अकेले का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो 3 बचा, तो टोटल बच जाएगा 4x - 3 एफ डैश एक्स, ओके। अब क्या करते हैं कि किसी भी टर्निंग पॉइंट को फाइंड करते हैं। टर्निंग पॉइंट वो होता है जहां से फंक्शन, जैसे देखिए अगर हम बात करें, ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया, एक टर्निंग पॉइंट हो गया वो पॉइंट जिस पर या तो फंक्शन मैक्सिमम या तो मिनिमम, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, तो वह हमारा टर्निंग पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है 0 होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 8x मीन्स 8 टर्निंग पॉइंट, हम यहाँ लिख देते हैं 8 टर्निंग पॉइंट या एट फॉर एनी पॉइंट ऑफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं, किसी पॉइंट को फाइंड करने के लिए किसी फंक्शन में अगर कोई पॉइंट फाइंड करना पड़ता है तो वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख सकते हैं, या एट टर्निंग पॉइंट हम लिख देते हैं, अभी पॉइंट आगे भी आएगा मैक्सिमम जब चैप्टर पढ़ेंगे। एट टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पर यह पता करना होता है कि वो फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, वहाँ पर उस पॉइंट को हम 0 के इक्वल रखकर पॉइंट को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एट टर्निंग पॉइंट या फॉर एनी पॉइंट दोनों लिख सकते हैं, एट टर्निंग पॉइंट या फॉर एनी पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 3/4 हो जाएंगे, 3/4 आ जाएंगे, यह तो x की वैल्यू आ गई। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पहले डेरिवेटिव कीजिए उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट इनफाइनाइट नंबर्स मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन एक नंबर है, यही ना है। अगर हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना चाहें तो हम इसको खींचेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन, 3/4 होगा, ये तो है ही कि 3/4 जो लाई करेगा वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन लाई करेगा। तो यहाँ से अगर ये 3/4 को इन दोनों के बिटवीन लिखते हैं तो यहाँ से 2 इंटरवल बन जाता है, ये हो गया पहला इंटरवल और ये दूसरा इंटरवल हो गया। पहले इंटरवल की बात करें तो वो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 है और दूसरा है 3/4 to infinite, ठीक है ना, 3/4 से infinite के बिटवीन। तो हमें इन्हीं दोनों इंटरवल को फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। यहाँ पूछा था कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेंगे, ठीक है ना। हम इंटरवल की बात करें एक ही तरीके से बता देंगे सबको, बार बार इसी से निकालिएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट एक और मेथड है, वो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेकर चलने में, तो वो थोड़ा बार बार करने में दिक्कत आएगी, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए।
जो पॉइंट निकला उसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए और वहां से दो इंटरवल बना लीजिए। तो अब आप लीजिए इन इंटरवल इन लिख दिया करिए, पूरा कंप्लीट में लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में पूरा लिखा नहीं, ध्यान दीजिएगा। इन इंटरवल, देखिए माइनस इनफाइनाइट के बारे में आइडिया नहीं, स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है इसलिए इनके बिटवीन होगा, तो यहाँ ओपन इंटरवल का सिंबल लगेगा, ठीक है। इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 3/4, इनके बिटवीन की कोई वैल्यू लेकर हम चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो 3/4 का मतलब हो गया 0.7 समथिंग, 0.75 समथिंग आएगा। तो देखिए 3/4 से माइनस इनफाइनाइट के बिटवीन कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, मान लेते हैं हमने मान ले दैट इज हमने ले लिया एक्स इज इक्वल टू 3/4 से पहले जीरो आएगा, 3/4 से बाद तो जीरो आएगा नहीं भाई, जीरो के बाद 3/4 है। तो मान लेते हैं हमने 3/4 से जस्ट पहले कोई वैल्यू जीरो ले लिए, आप बोलेंगे सर -1 ले लेते हैं, तो ले सकते हैं जी, -1 भी ले सकते हैं, -2 लेना चाहे ले सकते हैं जी, -2 भी ले सकते हैं, एनी पॉइंट जो कि इसके बिटवीन हो, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो हमने x इज इक्वल टू जीरो ले लिया और उस पॉइंट को हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया उसमें रख दे रहे हैं। देखिए f डैश x कितना आया, 4x माइनस 3 आया, ठीक है ना, कितना आ गया 4x माइनस 3, इसमें x इज इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिए, कितना आ गया माइनस आ गया, माइनस आने का मतलब हो गया विच इज लेस देन जीरो, और इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, दैट इज हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया लेस देन जीरो। तो इसका मतलब यह हो गया सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग हो गया, भाई यही ना हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग में क्या होता है फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन जीरो आती है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, सिंपल एकदम क्वेश्चन है, इन द इंटरवल किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस 3/4, या इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसमें इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू उठाने पर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किए उसकी साइन नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। आपसे इंटरवल पूछा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन में इंटरवल क्या होगा हमने बता दिए, ठीक है। अब याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन एक बार डिक्रीज करता है तो दूसरी बार इंक्रीज करता है, देखिए ऐसे ही मूव करती है फंक्शन, एक बार डिक्रीज कर दे दूसरी बार इंक्रीज कर देगी, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, या पहले इंक्रीज तो बाद में डिक्रीज होता है, ठीक है, अगला वाला पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमें लेकिन इसको चेक करना है, तो हम चलते हैं सेकेंड इंटरवल को लेकर, आपने ये इसको नोट कर लिए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर से शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को लेकर। हाँ तो चलिए दूसरा इंटरवल ले लीजिए, मैं यहां पर अप कर दिया। अब हम बात करेंगे इन इंटरवल डायरेक्टली आप नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली आप करने की कोशिश बाद में करिए, क्योंकि आप पहले सीख रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को इंटरवल शो कीजिए, उसके बीच की वैल्यू उठाकर चेक कर लिया करिए। क्या करते हैं आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहला वाला इंटरवल पता कर लेते हैं कि पहला माइनस में आ रहा है तो दूसरा प्लस में आता ही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, लाइन वाइज लिख कर चलिएगा, क्योंकि आपको समझना है और ये हमेशा अकेले है। तो 3/4 टू इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, इसके बिटवीन कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे 3/4 से इनफाइनाइट की बात करें तो ये हमने 1 ले लिए, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना था, फर्स्ट डेरिवेटिव था 4x माइनस 3, जिसमें 1 पुट करने पर ये प्लस 1 आ गया, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई। भाई ग्रेटर देन जीरो क्या बताता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, यानी बताता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने पर। तो अब यहां पर आपने जीरो शो कर दिए, तो आप लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में होगा, इन द इंटरवल आप लिख लीजिएगा, इन द इंटरवल कौन से इंटरवल में, 3/4 से लेकर इनफाइनाइट में यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। पहले के लिए पूछा कि आप इंटरवल बताइए जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो आंसर बता दीजिएगा सर 3/4 से इनफाइनाइट हो गया। और जब दूसरे के लिए पूछा है कि व्हाट इज इंटरवल व्हेन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4, ये दो इंटरवल हो गया, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव लेकर। क्वेश्चन नंबर फाइव में सेम पूछा गया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन अभी फोर्थ किए तो वैसे ही है। यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल है क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे दिया गया है, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो डिफरेंशिएशन ज्यादा होगा तो पॉइंट ज्यादा आएंगे। तो चलिए वहां एक पॉइंट आया था 3/4, अब यहां देखते हैं कितने पॉइंट आते हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जैसे अभी हमने उसको किए थे सॉल्व, क्या किए थे, सबसे पहले फंक्शन को लिखिए 2x³ - 3x² - 36x+7। अब आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन आप किसको करेंगे, x³ - 3 एंड डिफ्रेंशिएशन आप x² - 36 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7। मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर दिया, चलिए मैंने इसको लिख दिया हूं, ठीक है, बात वही हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से, विच इज इक्वल टू 2 × 3x² एंड 3x² का डिफरेंशिएशन 2x - 36, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² - 6x एंड - 36। कॉमन भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा x² - x - 6 विच इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फॉर एनी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करते हैं किसी पॉइंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, किसी टर्निंग पॉइंट बोला करते हैं। तो यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, x² - x - 6 इज इक्वल टू 0, आइदर 6 0, सो 6 ≠ 0 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 है तो 6 ≠ 0 बिकॉज 6 तो 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। जब दो प्रोडक्ट में दो टर्म्स होंगे और दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो देखिए 6 तो 0 के बराबर है नहीं, और ये अगर 0 होगा तभी होगा जब x² - x - 6 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम क्या करना होगा, हम चलिए यहीं सॉल्व कर देते हैं, x² - x - 6 इज इक्वल टू 0 फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो x² - 3x एंड +2x - 6 आ जाएगा, ठीक है ना, फैक्टर करने आता ही होगा, क्लास 10th में आप लोग पढ़े भी थे। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x - 3 + 2 कॉमन ले लीजिए, x - 3, देयरफॉर x - 3 एंड x + 2 आपको फैक्टर मिल जाएगा। तो आइदर x - 3 = 0, आइदर x - 3 = 0, देयरफॉर x = 3 एंड x + 2 = 0, तो देयरफॉर x = -2। दो पॉइंट मिल गया, एक तो x = 3 और दूसरा x = -2 मिल गया, ठीक है, वहां पर एक पॉइंट मिला था, यहाँ पर दो पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन में सीक्वेंस वाइज प्लॉट करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं। अगर हम इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन में ड्रा करना चाहें, नंबर लाइन में ड्रा करना चाहें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन, तो यहाँ पर देखिए दो नंबर है 3 और -2 है, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा भाई, पहले तो माइनस आएगा और बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। तो पहले माइनस को लिख दिए बाद में प्लस को लिख दिए बिकॉज लेफ्ट टू राइट हम लोग नंबर लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है। अब आपके पास इंटरवल देखेंगे तो यहाँ कितने इंटरवल बन जा रहे हैं, कितने नंबर्स के बीच में गैपिंग बन रहा है, तो देखिए एक इंटरवल ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा यहाँ ये बन गया, बस यही अंतर होता है। पॉलीनोमियल को बढ़ाते जाएंगे, जितना बड़ा होता जाएगा उतना इंटरवल बन जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही करना जैसे फोर्थ किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दो इंटरवल तीन इंटरवल बन गया, तो सबसे पहले ले लीजिए इन इंटरवल, हम पहला इंटरवल लेंगे -∞ to -2 के बिटवीन, कोई भी नंबर बताइए जो -∞ से -2 के पहले हो, -∞ और -2 के बिटवीन हो, तो -2 से पहले -3 होगा, -2 से पहले क्या होगा -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, एनी नंबर आप ले लीजिए। चलिए हमने ले लिए x = -3 ले लिए, ठीक है, -2 से जस्ट पहले कोई एक नंबर ले लिए, -3 ले लिए, उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं एफ डैश एक्स में, क्या है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ये टोटल था तो हम इसको लिख लेते हैं, कितना है 6x² - x - 6 एंड -3 इसमें पुट कर लीजिए कितना आ जाएगा 6 एंड -3 का होल स्क्वायर -3 एंड -6, कैलकुलेट कर लीजिए देखिए कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 6 एंड 3 = 9 + 3 - 6, देखिए 9 9 + 3 12 आ गया, 12 - 6 कितना होगा 6 एंड 6 = 36
और ये 36 मिल गया विच इज़ ग्रेटर देन 0 मिल गया, हम यह कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, बस यहाँ पर सिंबल पॉजिटिव लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, बात इकट्ठी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग हो गया, मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। किस इंटरवल में? पहले वाले में। तो पहले वाले में प्लस आया, दूसरे में माइनस आएगा, फिर तीसरे में प्लस आएगा, तो क्लियर है। लेकिन क्लियर होने के बावजूद भी आप इसको सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा इंटरवल लेकर चलते हैं, माइनस टू से थ्री तक। तो नेक्स्ट लेकर चलते हैं इन इंटरवल, हम अगले इंटरवल में चलते हैं कौन से, माइनस टू से थ्री के बिटवीन, और दैट इज हम कोई नंबर बताइए, हमें अगर मान लीजिए माइनस वन से माइनस टू से थ्री के बिटवीन लेकर चलना है, तो कोई एक नंबर बताइए जो कि माइनस टू से थ्री में हो। तो माइनस टू से बाद में और थ्री के पहले, तो माइनस वन भी होगा, जीरो भी होगा, वन होगा और टू होगा, अगर होल नंबर्स की बात करें तो, ठीक है ना। तो माइनस टू के जस्ट पहले माइनस वन भी होगा और जीरो भी होगा, हम चलिए जीरो ले लेते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो मैंने जीरो ले लिया, ठीक है। इनके बिटवीन की बात किया, कोई भी नंबर आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो एफ डैस एक्स कितना है, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स है, और एक्स इज इक्वल टू इसमें जीरो पुट कर लीजिए तो कितना आएगा, देखिए सिक्स जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो माइनस सिक्स, और मिल गया माइनस आ गया जी, देखिए माइनस 36 आ गया, नेगेटिव आ गया, मैंने बताया था कि एक बार प्लस आएगा दूसरी बार माइनस आएगा ही वो, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाता है एफ डैस एक्स इज इक्वल टू लेस देन जीरो, आप रखे रहिए, दूसरा वाला माइनस दिखा दीजिए और रखे रहिए इसको, ठीक है। अब हम तीसरे इंटरवल को लेकर चलेंगे, बाद में इकट्ठी आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी बताना आपको। तो चलिए हम लेकर चलते हैं थर्ड पार्ट में, हम इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने फंक्शन को नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट भी ले लिया करिए पीछे से, ठीक है। अब तीसरे इंटरवल की बात कर रहा हूँ, देखिए शॉर्टकट के लिए नहीं बोलेंगे कि शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई फंक्शन अगर स्क्वायर फंक्शन आया था तो बोला जाता माइनस इनफाइनाइट से थ्री तक अकेले वो पॉजिटिव हो जाता है, ये जो इंटरवल बांटे हैं ना उसके बावजूद भी वो प्लस और दूसरे में भी प्लस आया था, स्क्वायर कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, तब आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप नोट करते चलिएगा, तो दो इंटरवल हो गया, अब हम चलेंगे तीसरे इंटरवल के बात करेंगे। तीसरा इंटरवल क्या है, अब हम लेकर चलते हैं इन इंटरवल नेक्स्ट लेकर चलिए थ्री से लेकर इनफाइनाइट के बिटवीन, कोई भी दैट इज हमने ले लिए, कोई एक एक्स की वैल्यू बताइए जो थ्री से इनफाइनाइट के बिटवीन हो, बहुत बड़ा मत लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो थ्री के जस्ट बाद वाली नंबर ले लीजिए, फोर ले लेते हैं क्या करना, ठीक है ना। और फर्स्ट डेरिवेटिव आपका हो गया सिक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस सिक्स, नेक्स्ट इज सिक्स एक्स स्क्वायर मीन्स फोर का स्क्वायर माइनस फोर एंड माइनस सिक्स, सो फोर का स्क्वायर इज 16 माइनस सिक्स प्लस फोर इज 10 एंड हियर इज 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36 एंड 36 इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होने पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, मैंने बताया था एक बार प्लस चलेगा फिर माइनस फिर प्लस चलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इंटरवल कंडीशन में, तो हमें पूछा गया है देन आप लिख लीजिए फाइनल आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल टोटल कितना आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल इज इक्वल टू, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब हुआ था, पहले में हुआ था माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू में, एंड दूसरे में हुआ था थ्री से इनफाइनाइट, दो इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ था। चाहे तो आप आंसर ऐसे लिख लीजिए, बुक में ऐसे भी नहीं मिलती है, तो कभी कभी ऐसे देखिए इंटरवल तो पता आपको ऐसे भी सिंबल लगाया जा सकता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड की जगह यूनियन लिख दिया करिए, ठीक है। और ये देखिए थ्री से इनफाइनाइट, ये भी ओपन इंटरवल का सिंबल होता है, ये भी होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, चाहे ब्रैकेट को बड़े वाले ब्रैकेट को पीछे की तरफ घुमा दीजिए, तो इसको भी बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो एंड की जगह आप यूं लिख दीजिए, चाहे ये भी लिख सकते हैं, आंसर माना जाता है सही, ठीक है। अब दूसरी की बात कर लें स्टिकली डिक्रीजिंग, ऐसे में सभी में जितने भी आ रहे हो तो उतने बार यूं लगाते चलिए, तीन चार पाँच छः, ठीक है ना। स्टिकली डिक्रीजिंग इंटरवल की बात कर रहे हैं, स्टिकली डिक्रीजिंग इंटरवल एक ही तो आया है, स्टिकली डिक्रीजिंग इंटरवल तो आपका एक आया है, माइनस टू से थ्री आया है, या इसको ऐसे लिख दीजिए या तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, माइनस टू से थ्री। तो ये रहा हमारे इंटरवल फाइंड करने के तरीके, ठीक है, आप एक बार नोट कीजिए।